अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कोई ऑनलाइन मीटिंग करना चाहते हैं या अगर टीचर अपने स्टूडेंट्स के लेक्चर देना चाहता है लाइव आकर, तो वो अपना गूगल मीट्स को यूज़ करते हुए किस तरह उसको कर सकता है। और अपने ऑनलाइन, क्योंकि आजकल बहुत से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो लोग गूगल मीट या कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहते हैं जिसके ऊपर आकर उसको वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें, या अगर कुलीग्स हैं, कोई ऑफिस का काम है तो वो मीटिंग वगैरह करनी है तो उसमें ही इस्तेमाल हो सकता है। तो उसके दो तरीके हैं, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन भी है, आईओएस में भी होता है, और उसमें भी आपको एंड्रॉयड में भी मिल जाएगा। और अगर वेब बेस आपका है तो आप इसमें आकर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गूगल मीट, या आपने गूगल मीट लिखना, जो फर्स्ट लिंक आएंगे आपने इधर चले जाना है। यहाँ पे आपको, अगर तो आप स्टूडेंट हैं या आपने ज्वाइन करना है, ठीक है, आपको कोड या लिंक दिया जाएगा, टीचर आपका देगा, या आपका जो अगर ऑफिस का जो मीटिंग कर रहा है बॉस, वो आपको लिंक देगा, कोड देगा, आप उसकी मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। अगर आप खुद बॉस हैं या टीचर हैं, ठीक है, आपने मीटिंग करनी है, ठीक है, तो आप न्यू मीटिंग में क्लिक करेंगे। आप अपना के कोई टाइम टेबल बनाना चाहते हैं, स्केड्यूल करना चाहते हैं, नहीं इस टाइम पे हो कोई इस तरह, या अभी करना चाहते हैं, वो आप अपनी मर्जी से, ठीक है। मैं अभी फॉर एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ। ये मीटिंग स्टार्ट, ये वाला लिंक है, जब मैं लिंक इस पे क्लिक करूँगा और मैं उनको अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अपना व्हाट्सएप या किसी तरह ईमेल के थ्रू उनको शेयर करूँगा, तो वो इस क्लिक के लिंक के थ्रू अपने फिर ईमेल लगा के लॉगिन करके गूगल की इसको मीटिंग को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। या मैं खुद अपने यूज़र्स को ऐड करना चाहता हूँ, मैं ऐड यूज़र्स करके उनके ईमेल्स वगैरह पुट करके उनको इनवाइट कर सकता हूँ, ठीक है। और ये चीज़ है। तो उसके अलावा इसमें आप बोल रहे हैं, इसको म्यूट करना चाहें, वीडियो ऑफ करना चाहें, कोई और आपकी चीज़ें, कोई फाइल आपने अपलोड करनी है, प्रेजेंट, कोई स्क्रीन शेयर करनी है, ठीक है, अभी कौन सा टैब वो करना है, फुल इंटायर स्क्रीन करनी है अपनी स्क्रीन शेयर करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वाइट बोर्ड के एनिमेशन के वो लिए हैं, ठीक है, और कैप्शन देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, ठीक है। अगर आप इसकी सेटिंग में चले जाएँ, ठीक है, इसकी सेटिंग आप देख रहे हैं कि वॉइस सही जा रही है, वीडियो से कौन सी है, उसके बाद आपने और कोई कंट्रोल्स वगैरह जो ऑन रखने हैं, ऑफ रखने हैं, उसके लिए यहाँ पे आपके साथ में सारे मेंबर्स आ रहे होंगे कि कौन कौन से मेंबर्स अभी ऑनलाइन है, किसी को म्यूट करना है, ऑल म्यूट करना है, ऐड करना है, किसी को होस्ट बनाना है, खुद कंट्रोल में रहना है, ये चीज़ है। यहाँ पे आप करेंगे तो आपको मैसेजेस आ रहे होंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो और जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कोई मतलब कोई कर रहा है, तो वो आप इसको लॉक भी कर सकते हैं कि कोई किसी को कुछ ना कर सके, अपनी मर्ज़ी की इसकी हम सेटिंग कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह ये, और साथ में रिकॉर्ड भी हो रहा है आपका, जैसे ही आप इसको ऑफ़ करेंगे आपकी रिकॉर्डिंग भी सेव हो जाएगी, आप अपने पास इसको यूज़ कर लेंगे। सेम इसी तरह ही अगर आप चले जाते हैं स्टोर, ठीक है, यहाँ पे आप प्ले स्टोर पे जाकर, अगर एंड्रॉयड में है या अपने आईओएस में है, तो उनके स्टोर में जाकर लिख लेते हैं गूगल मीट्स। आप ये करते हैं तो सेम इसी तरह यहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन मिल जाती है, ठीक है। आपने सेम उसी तरह ही इसको इंस्टॉल करना है, सेम वही तरीका है, कोई इतना मुश्किल नहीं। आपने ईमेल लगा कर अपनी मीटिंग ज्वाइन करनी है, या अगर खुद करनी है तो आप क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसके वो ये उनकी वीडियो सारी आ रही है, सेम फंक्शन उसी तरह ही है जो कि हमने अभी डेस्कटॉप वर्जन में यूज़ की है। तो ये था, बड़ा ज़बरदस्त टूल है, आप इस्तेमाल करें तो अपनी मीटिंग्स में, लेक्चर्स देने में, ये बहुत ज़बरदस्त एक प्रोफेशनल टूल है। चलें आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।